विजयलक्ष्मी 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस, जिसे लोग सिल्क के नाम से जानते हैं, सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के एल्लूरू में जन्मी सिल्क का बचपन काफी गरीबी में बीता। घर के हालात इतने भी नहीं थे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर पाती। ऐसे में उन्होंने फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट का काम शुरू किया। एक्ट्रेसेस का टचअप करते करते उन्हें फिल्मी चकाचौंध ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और छोटे से शहर की विजयलक्ष्मी बन गई सिल्क स्मिता। स्मिता का पहला ब्रेक 1978 में आई कन्नड़ फिल्म बेदी में मिला, लेकिन बिग ब्रेक एक साल बाद मिला फिल्म वांडी चक्रम में। फिल्म में उनके निभाए स्मिता के किरदार को काफी पसंद किया गया। इस किरदार की शोहरत के चलते ही उन्होंने अपना नाम सिल्क स्मिता कर लिया। अपनी 17 साल के करियर में सिल्क ने 450 से ज्यादा फिल्में की। अपने करीबी दोस्तों के सजेशन पर उन्होंने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस किया, लेकिन ये फिल्में नहीं चली और सिल्क को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान से उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी डिस्टर्ब हुई और आखिरकार 23 सितंबर 1996 को सिल्क की लाश उनके घर में पंखे पर झूलती हुई पाई गई। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।